चुनाव आयोग में बैठक खत्म हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ। ओमिक्रॉन पर ये बैठक चल रही थी जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ चुनाव आयोग के अधिकारी भी थे और ये इस पे देखा जा रहा था क्या ये चुनाव टालने होंगे, क्या चुनाव की टाइमलाइन को बदलना होगा, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ईसी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आयोग ने ओमिक्रॉन पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है और इसके बाद ही फैसला होगा क्या चुनाव टाले जा सकते हैं। मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव, ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला लेगा लेकिन कोविड को लेकर रिपोर्ट तलब की है। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग अभी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, उसके पीछे वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम का दौरा बचा हुआ है। दूसरा ये कि जो आज स्वास्थ्य सचिव पहुंचे थे राजेश भूषण, उनकी टीम से स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनाव आयोग ने ओमिक्रॉन के प्रसार पर यानी कि उसके संक्रमण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। और अपने दर्शकों को हम बड़ी जानकारी दे दें कि जनवरी के पहले हफ्ते में फिर से जो है चुनाव आयोग जो है वो बैठक कर सकता है, अभी ये जानकारी हमको मिल रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो विस्तृत रिपोर्ट ओमिक्रॉन पर मांगी गई है तो नए साल की शुरुआत में चुनाव आयोग जो है दोबारा से स्वास्थ्य मंत्रालय से बैठक कर सकता है। इन सब के बीच में बड़ी खबर ये आई है कि मैं आपको जानकारी दे दूँ कुछ बैठक की कि इस पूरी बैठक में जो है चुनाव आयोग को स्वास्थ्य सचिव ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़ी जानकारी दी। ये भी जानकारी दी गई कि अभी स्थितियां काबू में हैं, वैश्विक स्तर पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ओमिक्रॉन ज़्यादा घातक नहीं है, साथ ही साथ लेकिन फिर भी भारत में जो है इससे बचने के तरीके पर ध्यान देना होगा। दूसरा जो स्वास्थ्य सचिव ने ये जानकारी दी है कि जो चुनाव संबंधी राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का जो प्रचार प्रसार है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में वहाँ स्थितियाँ गंभीर नहीं। दूसरा ये कि वयस्कों का जो टीकाकरण है उसका क्या स्टेटस है 5 चुनावी राज्यों में, उसको लेकर जानकारी दी गई है।